लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गए और हमने टिकट ली और हम म्यूज़ियम का जो नज़ारा है वो ही लिया। और अभी हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का नज़ारा है। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो पूरा वीडियो देखो और लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 9। तो ये जो नज़ारा है वो पूरा नज़ारा आपको दिख रहा है 45th फ्लोर से स्टैचू ऑफ यूनिटी की। आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये है नज़ारा, तो वाओ, मतलब लाइक पूरा जो ये रिवर है वो है नर्मदा का रिवर, जिस पर आपको नज़ारा दिख रहा है। तो अभी आप हम लोगों को देख रहे होंगे फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा क्योंकि वाइड एंगल लेंस में जितना कवर हो सके उसके हिसाब से। और हम सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं एट आई थिंक 45th फ्लोर से हम ये जो व्यूइंग गैलरी है उसका नज़ारा, आप पूरा नज़ारा देखो यार, मतलब लाइक कैसा अमेजिंग नज़ारा है यार, अमेजिंग। तो अभी हम यहाँ पे फूड कोर्ट पे आ चुके हैं और ये जो फूड कोर्ट आप देख रहे हो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का फूड कोर्ट, और यहाँ पे हम अभी नाश्ता करेंगे। नाश्ते में हम क्या करने वाले हैं? हम कॉफ खाएंगे और कॉफ़ी पिएंगे। कॉफ और कॉफ़ी। और यू वो मेनू देखे बल्लू को तो कॉफ और कॉफ़ी। मैं भी कुछ अलग सा खाने का सोच रहा हूँ, तो मेनू देख के पता करते। फाइनली हमारी कॉफ़ी आ गई है और ये है हॉट चॉकलेट नमो के फेवरेट कैफे कॉफ़ी डे, अभी भी जिंदा है। और यहाँ पे है हमारे पास सैंडविच वेजिटेबल चीज़, और ये है हमारे पास कॉफ। तो सबसे पहले इसको खाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू श्यामा दीदी दिस इज़ लुकिंग लाइक एंड काइंड ऑफ यू नो सिंगापुर, राइट? सिंगापुर सेंटोसा की तरह, सेंटोसा आइलैंड की तरह लग रहा है। दिस इज़ द व्यू ऑफ द फ्लावर वैली, द वैली ऑफ द फ्लावर। पूरी ये जो वैली है वो फ्लावर की है, आई थिंक उन्होंने अभी अभी जस्ट डेवलप किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू नो यू गाइस कैन सी दिस जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बनाए हुए हैं फ्लावर्स। सो दिस इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स है वो यहाँ पे रखे हुए हैं, एकदम देसी और एकदम मस्त वाले अमेजिंग सुपर। वो देखो कितना प्यारा है, वो देखा तूने? हाँ, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल यार। चल
ये देखो ये फ्लावर्स कैसे हैं, देखिए गुलाब फिर से आए, फिर से गुलाब आए, ये देखो ये कितना प्यारा, लाइक वाओ, फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स, यार ये कितना प्यारा लगता था जब मॉर्निंग में अगर विजिट किया ना, ये गुलाब देखो एक्चुअल पिंक कलर का है, मतलब वाओ अमेजिंग गुलाब देखो कितना प्यारा है लग रहा है यार, मतलब फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे, मतलब फर्स्ट टाइम फ्लावर का बेज है और फिर उसके ऊपर मतलब नदी दिख रही है और उसके ऊपर फिर यू नो ये पूरा जो माउंटेन्स है वो दिख रहा है, मतलब वो कितना प्यारा दिख रहा है। मन गर्मी की वजह से बिल्कुल भी नहीं है फ्लावर गार्डन को देखने का, लेकिन सही में ये गार्डन यूनिक है। आप अगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आते हो तो मॉर्निंग या इवनिंग के अंदर इसको विजिट करो, मेरे हिसाब से इवनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता होगा, और इवनिंग में फिर लाइट्स वाला भी है ना, तो लाइट्स हो जाएगी तो यूनिटी या यूनिटी ग्लो गार्डन भी है जो आपको इवनिंग में बहुत अच्छा लग सकता है। काश यार मतलब कल चालू होता स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो हम इसको कवर कर देते, बहुत बहुत मतलब प्यारा यार, ये देखो तो सही आप पूरा मतलब फ्लावर्स से फ्लावर्स कैमरा को, तो दोस्तों अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो टिकट लोगे वो टिकट के अंदर बटरफ्लाई पार्क और ये जो वैली ऑफ फ्लावर ये दो और यूनिटी ग्लो गार्डन भी आई थिंक इंक्लूडेड है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पूरा देख, अगर ये इतने ब्यूटीफुल फ्लावर के पीछे अगर किसी का हाथ है तो ये इन जैसे बंदों का हाथ है जो इतनी खड़ी धूप में मेहनत करते हैं और पानी देते हैं, आप देख सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्लावर शो को बीच में ही छोड़कर हम यहाँ पे आ गए क्योंकि हमें लगी बहुत सारी गर्मी और गर्मी लगी तो हमने सोचा कि खाना खा लेते, तो अभी हमने खाना मंगाया रोटी और सब्जी, ये शाही पनीर है, पनीर अंगारा, चीज़ अंगारा, ये चीज़ अंगारा है और बस अभी खाने का हो रहा है, एक बार खाने का होके फिर थोड़ा बहुत बैठेंगे शांति से और जैसे ही शाम हो गई फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर। फ्लावर्स की तलाश में हम आ गए हैं, आपको वैली ऑफ फ्लावर्स दिख रहा होगा और अभी वहाँ पे होने वाला है ग्लो गार्डन, लेट्स जस्ट गो एंड सी।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, रात का टाइम हुआ है, इट्स 8:29, 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे घूम रहे हैं। अभी ये है यूनिटी ग्लो गार्डन, ये कुछ नया टाइप का है जो पूरी सीरीज से बनाया हुआ है, अलग अलग जो ट्रीज है और फ्लावर्स है वो बनाए हुए हैं। मैं आपको एक के बाद एक दिखाता हूँ, ये मस्ट विजिट प्लेस है, आप ये देखो, बहुत ही प्यारा है। लेट्स सी एंड लेट्स एंजॉय दिस। वाओ, सो सी दिस यूनिटी गार्डन, और ये पूरा जर्नी आप देखते रहो। लुक एट दिस, ये पूरा जो है वो है सरदार सरोवर डैम का जो नज़ारा है यार, मतलब लाइक देखो तो सही, कितना प्यारा लग रहा है। This are like looking real, like it's looking so real, so amazing. यही था हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सफ़र, और ये सफ़र यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम फिर से वापस आएंगे एक नए सरप्राइज़ के साथ। लेकिन बहुत ही अच्छा है ये लोकेशन, आप जब भी ये पैंडेमिक ओवर होता है आप इस लोकेशन को विजिट कर सकते हो। टिल देन, टाटा बाय, सी या एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।